चलिए आपको आगे आउट ले चलते हैं। जय श्री राम। और कल चालू है कि नहीं ये हम पूछ लेते हैं कल। देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अयोध्या धाम परिसर में और यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों दिन रात काम हो रहा है क्योंकि 22 तारीख नजदीक है और आज है 17 जनवरी और आपको 17 जनवरी का अपडेट दिखा रहे हैं और रात के बज रहे हैं 10 बजे आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या धाम में क्या क्या हो रहा है। यहाँ दिन रात 24 घंटा यहाँ देखे काम हो रहा है और सामने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी तक क्या क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये रहा अयोध्या राम जन्मभूमि का परिसर, यहीं से लोग जो है, और सामने ये देख सकते हैं आप, अयोध्या में आपका अभिनंदन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक देखिए यहाँ पर कितना काम हो चुका है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू जो है काम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं अभी, 10 बज के रात में आप सभी को जो है यहाँ पर यहाँ का अपडेट दिखा रहे हैं, यहाँ क्या क्या है, क्या क्या चीज बन चुका है और 22 तारीख के लिए तैयारी कितनी हो चुकी है। सो देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा, सामने देखिए, सामने जो है प्रतिमा बनी है अयोध्या धाम में और सामने देखिए यहाँ ठंड इतनी है कि लोग आग ताप रहे हैं और आग ताप के भी काम कर रहे हैं। इस पिलर पर जो है देखिए डिजाइनिंग किया गया, प्लेन पिलर नहीं बनाया गया। देखिए सभी जगह जो है हमारे श्री राम भगवान की छवि जो होता है, उनका निशानी जो होता है, वो चीज को है दर्शाया गया ताकि कोई भी लोग आए तो सिर्फ ये दृश्य देख के, ये खूबसूरत भव्य दृश्य देख के जो है मोहित हो जाए और यहाँ से जाने का नाम ही ना लें। इस तरीके से ही जो है इस अयोध्या धाम का जो है विकास चल रहा है, अयोध्या धाम का कार्य चल रहा है, 24x7 घंटे काम चल रहा है। तो देखें यहाँ पर अभी काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है। देखें यहाँ काम जो है जोर शोर से जो है कंटिन्यू चल ही रहा है। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत बन चुका है। आज है 17 जनवरी 2024 और कुछ ही 5 दिनों में ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है हमारे श्री राम भगवान का और यहाँ की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। 24x7 वर्क मतलब काम हो रहा है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है अयोध्या। अयोध्या हमारे श्री राम प्रभु का राम नगरी में, देखिए सामने बंदर भी है एक, यहाँ पर जो है बंदर की संख्या आपको बहुत मिल जाएगी क्योंकि राम नगरी है और हमारे राम भगवान के प्रिय भक्त बजरंगबली। चलिए आपको आगे आउट ले चलते हैं, आगे क्या क्या है। काम चल रहा है, कनेक्टिविटी जो है ना, रोड अच्छा रहेगा तभी जाके कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। कनेक्टिविटी का काम हो रहा है और लाइट और जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। सो चलिए और आगे आपको चलते हैं, लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, रोड पे दिन भर चलने में जितनी गंदगी हो रही है उससे जो है ब्लोवर के द्वारा, सामने देख रहे हैं यहाँ ब्लोवर के द्वारा जो है गंदगी को हटाया जा रहा है। मतलब कितनी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है, सो आप सभी को दिखा रहे हैं इस अयोध्या धाम में। रात के 10 बजे 11 बजे
12 बजे मतलब 24 घंटे यहाँ पर काम होते ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए आदमी को जो आदमी बाहर से आए हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर निःशुल्क सोने की व्यवस्था है, और यहाँ पर पानी है, और सामने शौचालय भी है। आगे है राम जन्मभूमि जाने का मार्ग। अब देखिए यार काम, देखिए 24 घंटा जो है काम ही हो रहा है। देखिए सामने जो देख रहे हैं ये राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है, ये जो सीधे चला गया है सीधा, ये राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है। और सामने ही देख रहे हैं बहुत सारा निःशुल्क राम रसोई है और ढेर सारा बहुत कुछ है। देखिए सब हुआ है नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कैसी बात। और यहाँ पर जो है सभी लोग जो है जय श्री राम जय श्री राम के नारे के साथ जो है देखिए देखिए यहाँ पर जय श्री राम एक साथ बोलिए जय जय श्री राम जय जय सिया राम। अभी रात के 10 से ऊपर हो रहा है और अभी जो है यहाँ पर जो है नो एंट्री हो जाती है, जाने के लिए नहीं मिलेगा। और कल चालू है कि नहीं ये हम पूछ लेते हैं। कल कल जाने को मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलेगा। मिलेगा। कितने बजे से शुरू हो जाती है? सुबह 7 से, और कितने बजे तक रहता है? शाम को 7। शाम बीच में एक बार बंद होता है मंदिर। हाँ, 11:30 से 2। थैंक यू। जैसा देख सकते हैं सामने यही है राम जन्मभूमि जाने का रास्ता, और अभी रात के 10:30 बज रहे होंगे करीब, और अभी बंद है, और सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुली रहती है। और कल खुली रहेगी, कल 18 तारीख है, 18 जनवरी कल खुली रहेगी, और जिनको जिनको आना है वो आ सकते हैं हमारे रामलला के दर्शन के लिए।